सामने दिख रहे इस टेंपल का नाम है तचोल हाकंग, हाकंग मतलब टेंपल, इधर से बता हाकंग मतलब टेंपल, और इसका फाउंडेशन 1433 में। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे हमें हमारे गाइड सोनम जी को अलविदा कहना पड़ेगा। थंकर मंडाला, मंडाला भी कहा जाता है। अच्छा। मंडाला नहीं है सर, आप पारो आ रहे हैं तो एक चीज आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वेज जुमा ले सकते हैं आप यहाँ से। तो ये है भाई करींचे, ये थोड़ा स्पाइसी बता रहे हैं लेकिन लोकल डिश है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इतनी क्राउडेड मार्केट नहीं है। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कभी भी कोई टूरिस्ट लेकर आओ ना अपने साथ, तो इनको जरूर अपने साथ ही रखें। ले रहा है ना आप। जब मैं पारो में था तो वहाँ पे मैंने नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करी थी और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑसम था। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा शॉट जो था मैंने अपने फ़ोन पे लिया था और उसकी मेमोरी करप्ट हो गई थी, जिस वजह से मैं अब वो चीज़ें आपको दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो मैं डेफिनेटली अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप इन फ्यूचर अगर आप वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं। तो क्लब का नाम था स्पेस 34, जो कि मेरे होटल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में था और उसका जो एंट्री चार्ज था 300 रुपीज़ था। बेसिकली वहाँ पे दो कोर्ट बनाए हुए थे, एक कोर्ट में कैरियोके का हिसाब किताब था जहाँ पे बैठ के लोग ड्रिंक कर रहे थे और सॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे स्क्रीन को देख के, और दूसरी तरफ प्रॉपर क्लबिंग वाला हिसाब था जहाँ पे आपको डांस का स्पेस दिया हुआ था और वहाँ पे भी आप ड्रिंक कर सकते हैं। तो इसका इन दोनों का ही इंक्लूड था 300 रुपये में। उसके बाद अगर आप कोई बियर वियर कोई ड्रिंक्स ले रहे हो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कैरियोके में कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो उसका कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रेट थे, सब नॉमिनल से चार्जेस थे। जब मैं पारो शहर पहुंचा था तो वहाँ के लोगों को देख के मुझे लग रहा था यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड क्राउड है तो फिर नाइट लाइफ भी इतनी क्राउडेड नहीं होने वाली। लेकिन जब मैंने क्लब में एंटर किया तो वहाँ पे काफ़ी क्राउड आ रखा था और काफ़ी फ्रेंडली लोग थे, सब अच्छा रिस्पांस मिला मुझे वहाँ पे। और हमने करीब 3 घंटे बिताए और मेरा और भी रुकने का मन था लेकिन नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना निकलना था तो इस वजह से हम 3 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाए। तो ये चीज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी। क्लब का नाम ज़रूर याद रखिएगा, स्पेस 34। और फिर अब बाकी की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हमने पारो के ये टेंशलिंग नाम इसका बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। हाँ, तो पारो के टेंशलिंग होटल से अब हमने चेकआउट कर लिया है और सामान वामान पैक कर दिया है। अब आधे रास्ते तक हमारे साथ गाइड जा रहे हैं और उधर उनको ड्रॉप देना है, उसके बाद हम चले जाएंगे फुटशॉलिंग की ओर और यहाँ पे हमारा पारो का भी ट्रिप अब समाप्त होता है। जो टेस्टिंग होटल है इसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आपको जो यहाँ के जो रिसेप्शन में जो मेन हेड है वो पहले शेफ़ हुआ करते थे, तो किचन का भी यहाँ पे वो काम करते हैं और साथ साथ रिसेप्शन भी हैंडल करते हैं, इनके साथ कुछ और स्टाफ भी हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा वो मिला मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस। अभी मैं उनको कैमरे में लेने वाला था लेकिन वो अभी है नहीं रिसेप्शन में, तो वरना मैं उनसे आपका इंटरेक्शन ज़रूर कराता। मैंने जो रूम पड़ा यहाँ पे मेरा पर डे का 1000 रुपये पड़ा और 2 दिन के लिए मैंने रूम लिया था, थोड़ा बस रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी अच्छा था, सफाई के हिसाब से भी 1 नंबर था और खाने के जो आइटम हैं यहाँ पे वो भी बहुत अच्छे हैं। स्पेशली चाय, जब आएँ तो यहाँ से चाय ज़रूर ट्राई कीजिए, चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट होने के साथ साथ शेफ़ भी हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ये। चलो फ़िलहाल भरते हैं फुटशॉलिंग की ओर। We'll be right back.
रास्ते में फ्रूट मार्केट देखी तो हम थोड़ा रुक गए यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे जो ट्रैवल पार्टनर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली वाले, वो यहाँ से फ्रूट ले रहे हैं, तो हम दो मिनट यहाँ पे रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि अगर आप पारो से फूड ट्रॉलिंग आ रहे हैं तो इसका डिस्टेंस करीब 140 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। नहीं, कोई नहीं। पहले इसका नाम बताइए आप। अब जो सामने दिख रहे इस टेंपल का नाम है तचोल हाखंग। हाखंग मतलब टेंपल। नहीं, इधर से बता। हाखंग मतलब टेंपल। और इसका फाउंडेशन चिन 1433 में दुगथोंगथोंग गेल्पो द आयरन चेन मेकर भी कहा जाता है उसको, फाउंडेशन चिन उसने बनाया हुआ है। ये बाद में मंदिर चिन उसका थुक से, और द हार्टसन देवा जंगपो कहता है उसका नाम, देवा जंगपो विद सिक्स डिसाइपल्स, वो लोग ने ये कंस्ट्रक्शन चिन वो लोग ने कैरी आउट करके वो लोग ने बनाया हुआ है। अच्छा। और अब जो वहाँ एक ब्रिज देख रहे हैं वो चिन आयरन चेन से बना हुआ है, और वो ब्रिज चिन थोंगथोंग गेल्पो खुद उसने बना हुआ है। अच्छा। लेकिन अभी एंट्री अलाउड नहीं है, इसके अंदर बंद होगा। कोई टूरिस्ट को ही नहीं, यहाँ का लोकल लोग भी ये ब्रिज के ऊपर से नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? अलाउड नहीं है। क्यों? अभी वो इतना सेफ नहीं है क्या? है सेफ तो है, लेकिन ये थोड़ा कन्फिडेंशियल जैसा होगा। अच्छा। ये ब्रिज एक्सेसिबल है अगर आप उस मॉनेस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो ब्रिज है जस्ट फॉर रिलीजियस पर्पस वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो एक और स्पॉट कवर कर लिया यहाँ पे जो कि रास्ते में ही पड़ता था, तो ये लास्ट स्पॉट था जो हमने कवर किया है पारो में। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे हमें हमारे गाइड सोनम जी को अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इनकी डेस्टिनेशन कुछ अलग है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ, कैसा लगा आपको? सुशील सर और अरुण सर के साथ टूर करके बहुत अच्छा लगा। ये दोनों बहुत अच्छा है, दिल से भी बहुत अच्छा है। ये दोनों के साथ हमने बहुत सारे खूब मजा किया है, जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ सब अच्छा अच्छा से गया है। और सुशील सर बहुत अच्छा हाइकर भी है, और ये हम परो टाउन में हम लोग नाइट लाइफ भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है। सो इफ यू गाइस वांट टू विजिट, डू वेलकम, डू कम टू भूटान, यू आर मोस्ट वेलकम हियर एंड यू विल नॉट रिग्रेट विजिटिंग भूटान। थैंक यू। और ये जो है ये हमारे गाइड ही नहीं है, ये हमारे एज अ फ्रेंड भी हमको ट्रीट करके हमारे साथ गए हैं। भले ही इनकी शिफ्ट ओवर भी हो जाए तो भी रात को हमारे साथ मार्केट एक्सप्लोर करने गए हैं। तो अगर आप इनको भी, इनके साथ भी आप आज से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो डोर जी का जो नंबर है, जो हमारे ड्राइवर हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट इनसे भी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और जो हमारे साथ इनका अच्छा कनेक्शन है, ये हमारा जो डील हुआ था 1300 पर डे के बेसिस पे था, तो आप भी अगर आएंगे तो आपको ये डिस्काउंट देंगे ना। जरूर। नॉर्मली आप किसी भी गाइड से यहाँ पे हायर करेंगे 1500 लेगा, लेकिन ये आपको 200 का डिस्काउंट देंगे ऑन पर डे बेसिस। चलो फिर, तो अब हम अगले पड़ाव की ओर जाएंगे और सोनम जी अपनी अलग डेस्टिनेशन की ओर। तो मेरे को आपको हग करने का है। Thank you.
सर बिना क्या कर रहे हैं सामने सामने क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं सुशील सर को थोड़ा दिक्कत हो रहा है और भाभी जी सुशील सर यहाँ बैठने में आपकी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं।